हेलो पिला माने, तमो मानकु एई वीडियो रे स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे गोलक एवं अर्धगोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल बा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर रो अध्ययन करथिले। एबे चालो एई वीडियो रे आमे गोलक एवं अर्धगोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल बा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर उपरे आधारित मजालिया उदाहरण देखिबा। अरे तू ता जह्न पृथ्वीर बहुत सुंदर मॉडल तैयारी करिचु। जह्न एवं पृथ्वी दुहे गोलाकार अटंती ना? हां थॉमस, किंतु मानस पृथ्वी मॉडल ले तू अधिक माटी व्यवहार करिचु ना जह्न मॉडल पे अधिक माटी व्यवहार करिचु? मु जानी नी थॉमस, एहार उत्तर हमें गणित द्वारा खोजिबा कि एहार माने ये गणित समय अटे। देख थॉमस, जह्न एवं पृथ्वी दुहिंकर मॉडल फंपा गोलक अटंती। जह्न मॉडल रो व्यासार्ध 35 सेंटीमीटर एवं पृथ्वी रो मॉडल रो व्यासार्ध 140 सेंटीमीटर। मानसा, मते गोलकर पृष्ठतल रो क्षेत्रफल रो सूत्र मने अछि। गोलकर पृष्ठतल रो क्षेत्रफल 4 गुणन पाई एवं आर रो वर्ग रो गुणफल अटे, जेउठारे आर गोलकर व्यासार्ध अटे। जेहेतु एई द्वय मॉडल फंपा अटंती, एहाको तयारी करिया पाई व्यवहृत माटी रो मात्रा एहार पृष्ठतल रो क्षेत्रफल सह समान हेबो। चल मु एई सूत्र रे प्रथमे आर जागा रे जह्न मॉडल रो व्यासार्ध 35 सेंटीमीटर लेखि एई भली समाधान करि नेउची। मानस, जह्न मॉडल रो पृष्ठतल रो क्षेत्रफल 15400 वर्ग सेंटीमीटर अटे। एबे मो पाळी, मु गोलकर पृष्ठतल रो क्षेत्रफल सूत्र रे पृथ्वी रो मॉडल रो व्यासार्ध 140 सेंटीमीटर लेखी एही परी समाधान करि नेउची। देख थॉमस, पृथ्वी मॉडल रो पृष्ठतल रो क्षेत्रफल 246,400 वर्ग सेंटीमीटर। पृथ्वी मॉडल ला व्यवहृत माटी तो जह्न मॉडल तारु बहुत गुण रे अधिक अटे। तू आउ गोटे मजेलिया कथा जानिचु कि जदी आमे एही परि जह्न रो मॉडल रे व्यवहृत माटी एवं पृथ्वी रो मॉडल रे व्यवहृत माटी रो अनुपात को एही परि बाहर करबा, तेबे तू देखि परिबु जे एहार अनुपात 1:16 अटे। एवं वास्तव रे मध्य जह्न ओ पृथ्वीर पृष्ठर क्षेत्रफल रो अनुपात 1:16 अटे। कोण एहा मजेलिया ना? हां, एहा तो सत्तरे बहुत रोचक अटे। चल एबे आमे जल्दी निज दुनिया को फेरि जिबा, तापरे तू मते जह्न ओ पृथ्वी विषय रे आहुरी कथा कहिबु। ଏହି ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ସ୍ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ହେମିସ୍ଫିୟର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।